अरे मनाली के ट्रैफिक में यार सच में जान खाई हुई है। अपना दिन रहे हो, दिन हो या रात, यात्रा करेंगे साथ, यही चलता है। यार ऐसे यहाँ पे बंदे गाड़ी लगा के चल जाते। और गाइस देख लो, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग फाइनली प्रिपेयर होके डन हो चुके थे अपनी पैकिंग या सब चीज़ों के साथ। तो अभी मैं हूँ तीर्थन वैली की तरफ जा रहा, और मेरे पीछे तीर्थन रिवर है, वहाँ से बंजार से आती है। तो यार अब चलते हैं, अभी सब मिलूंगा। अभी ये ब्लॉग ना थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि हम लॉल तक जाने वाले हैं आज। अभी मैं बंजार जाऊँगा, घ्यागी, फिर से आपको घ्यागी दिखाऊँगा। बहुत सुंदर जगह यार है, फिर जगह तो वहाँ से अपने दोस्तों को चकूँगा, देन मूव कर जाएंगे। बाकी बीस्ट भी रेडी है, और देख लो थोड़े से नज़ारे देख लो सुबह सुबह के, अभी 8 बज रहे हैं। तो गाइस अब डायरेक्ट मिलते हैं यार सीधा आपको रिवरडीन में, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और वो भी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है आपके लिए, अगर आप तीर्थन आ रहे हो तो आपको वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद आएगी। तो डायरेक्ट वो वहीं पे मिलते हैं। बाकी कुछ सामान मेरा घर में, अभी जाते जाते मेरे को घर भी रुकना पड़ेगा 10-15 मिनट के लिए, तो मूव करते हैं। यो गाइस, सो गए, हम लोग पहुंच गए। देख लो अभी एकदम से ग्रीनरी में, पहले अभी गाड़ी में थे और आपको मैंने बताया था इस ब्लॉग को हम लंबा बनाने वाले थोड़ा, क्योंकि आज लोकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो अभी हमें घ्यागी में, ये जीबी आपने सुना होगा, जीबी से 5 किलोमीटर आगे। बाकी यार गाड़ी हमारी पैक हो गई और हमारे साथ जा रहे हैदर भाई। और कैसे हो आप? इस बार हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है, हमारी किसी नए नए यात्री शामिल हो गए, अभी बेली भाई मिलेंगे, नेक्स्ट भी जा रहे हैं। अभी मैं आपको सबसे मिलाऊंगा, अभी हम पैक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा मंडौल पहुँचने को है। बाकी जाम है, आदित्यनाथ योगी जी आए दिल्ली के लिए, तो हमको निकलना पड़ेगा, आराम से निकलेंगे। बस यहाँ कम सीनरी ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो। हाँ तो ये बेली भाई यार, जिनसे बता रहे जो मेरे साथ जा रहे हैं, हमने कोच किया हुआ साथ। एक पहले ब्लॉग में भी थे आप, कुल्लू वाले ब्लॉग में थे, क्यों? थैंक यू। तो भाई हम ये जा रहे हैं हैदर भाई, और भाई आपका नाम भूल गया, जोएल भाई, और साथ में क्लिक्स भाई, बड़े भाई हमारे सबसे। सो फाइनली वी आर मेकिंग आवर मूव, अब यहाँ से निकलने लग गए, ऑल सेट टू गो। Let's go to the Ladakh. Ladakh trip is on guys. यहाँ से episode 1 start हो चुका है, तो आपको इस पूरी सीरीज का हर डे का एक episode मिलेगा। तो भाई देखो यार ऐसे यहाँ पे बंदे गाड़ी लगा के चल जाते हैं, इस गाड़ी की वजह से लगा है क्यों भाई ये पूरा जाम? आगे पिच निकल गई, चलो अपनी कहाँ तक निकलेगी, एक साइड तो निकली भाई। ये देखो भाई, एक गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। तो गाइस अभी टाइम हो गया है यार 1:42, और हमको इतना जाम लगा ना बंजार से आते आते, अभी हम लालजी पहुंचे। अभी उधर पहुंचने को भी हमको अभी 25 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था भाई। एक तो आज रैली भी है, पर बंजार का रोड इतना है ना ऐसा, मतलब सिंगल लेन है ना, नहीं आज बहुत ज़्यादा जाम मिल गया। तो अभी हम लंच कर रहे हैं, मैं तो कर चुका लंच अभी, बाकी बेली भाई मेरा खाना खा रहे हैं, देन इट्स स्टार्ट। यहाँ लालजी में अभी हम लोग खाना खा रहे हैं यार, अभी जाके मेरे को ना टायर भी लगाना है, स्टेप नहीं लगानी है। और भाई मौसम हो गया फुल पावर ख़राब, धूल हवा। आई होप यार अपने को स्नोफॉल दोबारा मिल जाएगा, क्या पता लद्दाख वगैरह मिल ही जाए कहीं, हर बार तो मिलता ही है जिस जगह जाते हैं स्नोफॉल मिलता है। सॉरी, टिकू भाई के ढाबे में आए हम खाने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ढाबा, साहब का सबसे पुराना ढाबा है ना का। तो भाई यहाँ पे जो नॉन वेज उनके लिए मटन भी है, और अपने हमें तो वेजू मैन तो खाया राजमा कड़ी, मटन वाला दिखाना वाला मटन अंदर है। चलो रेन, तो आप खा रहे हो, मैंने दिखे थे। चलो ठीक है, अभी जब भी आप यहाँ पे आओ ना, लालजी से आगे यहाँ पे टिकू भाई के ढाबे पे आओ, ये स्टॉप है यहाँ पे, ये देख लो इधर, यहाँ पे आप आके अपना लंच कर सकते हो, और भाई बेस्ट खाना मिलेगा। तो मैं चलता हूँ ना, तो आपको बताता रहता हूँ मैं कहाँ पे कहाँ पे मैं रुकता हूँ, कहाँ कहाँ पे खाता हूँ, अच्छी जगह पे रुकते हैं, अच्छी जगह पे खाते हैं। वेली भाई डन, और चलो आप चलते हैं। डेढ़ तो हमको बंजार ट्रैफिक ने यही बजा दिया, हमको टाइम हमारा है शाम तक, जब मर्जी पहुँचे हम लोग, दिन हमारा रात हमारी। भाई अपना दिन रहे हो, दिन हो या रात, यात्रा करेंगे साथ, यही चलता है। तो यार यही फंड है भाई, एक्चुअली में सच में अपना फंड है यही है, दिन हो या रात, यात्रा करेंगे साथ। सबको पता है, ये सबको पता है, यहाँ पे जो जो मेरे को जानते हैं उनको पता है। सो गाइस अभी बज रहे हैं हमारे 3 हमारे क्या टाइम ही 3 बज रहे हैं। तो अभी ऐसा है ना, अभी हम भुंतर पहुंच गए थे यार वापस बंजार से आते आते, तो घर से मैंने थोड़ा सा अपना टायर स्टेपनी वगैरह भी लगा दी। बाकी यहाँ पे ना आज इतना जाम है भुंतर में ना, अभी यहाँ पे हम मतलब पुल पार करने के लिए मेरे को लग रहा है 10-15-20 मिनट लग जाएंगे यहाँ पे। फिर भैया हाँ, कैसा लग रहा है आपको कुल्लू का जाम, भुंतर का जाम? पर हम मनाली के जाम से बच जाएंगे यार, अभी तक तो खुल जाएगा। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा, बढ़िया गर्मी से बच गए आज हम।
सो गाइस देख लो, हम लोग यार मनाली पहुंच गए हैं और मनाली तक पहुंचने को लग गए हमको बंजार से लेके कितने 5 घंटे तो भाई मतलब ये सारा का सारा थोड़ा इलेक्शन थोड़ा टूरिज्म सब मिक्स हो गया ना, आज ही जाम मिल गया। और आपको पता है रिचुअल्स हमको तो हमेशा मिलता ही मिलता है। ये देखो आगे और ऊपर से मनाली में ना बहुत बारिश हो रही है अभी तो, रास्ते में तो बहुत ज़्यादा तेज थी, तूफान भी बहुत तेज चला था। मनाली मनाली तो दिखती कवाली, दुनिया चली है बनके मवाली। बेली भाई काफी लंबा ट्रैवल रहा आज का, पहले इतने टाइम बाद है, देखो कितने हमको मनाली कितना टाइम लगा, सोलांग पहुंचने में 7 घंटे लग गए क्यों, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। चलो कोई नहीं है, पर हमारे पेशेंस बहुत है। फाइनली अपने होम ग्राउंड एडवेंचर हब सोलंग नाला में हम दोनों 7 कोर्स किए स्की के। ये देख लो भाई मनाली से लेकर यहाँ तक जाम है अभी नीचे जाने के लिए। अभी अटल टनल से सारी गाड़ियाँ आती है यहाँ पे, शाम के टाइम यार रिटर्न होते हैं इसलिए सारी गाड़ियाँ ऊपर से नीचे को आ जाती है। पर अब हम चाय पियेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई। बाकी यार शर्ट देखो कितनी गंदी हो गई है पूरी की पूरी धूल मिट्टी से, बहुत ज़्यादा यार हेक्टिक सा ड्राइव था। पर कितना टाइम लगा, मज़ा आया? मैं तो सो गया था। सो गया था ये बेचारा तो सो गया था यार। और ना यार यहाँ पे अभी यार ना मौसम भी खुल गया और आप मेरे बैक में देख रहे हो ये इधर पे हमने इधर हम स्कीइंग करने आते थे। अभी अभी आपने लास्ट स्कीइंग वाले ब्लॉग देखे होंगे, उसको मैं अभी स्क्रीन पे आपके लिंक आ जाएगा। एंड उसके बैक में हमारे माउंटेनिंग के कोर्स हुए, वहाँ पे फ्रेंडशिप पीक वगैरह है। तो भाई सोलंग नाला जाके ना ये फील हमेशा जाग जाता है कि हमारा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट भी दिखाता हूँ उनको, ये हमारा इंस्टीट्यूट स्कीइंग वाला है। हावेली भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं देखो हमारा सा पूरा का पूरा मेमोरी फ्रेश हो जाती है। घोड़े यार अभी टाइम हो गया 6, तो हमको थोड़े से दोस्त मिल गए थे वेली भाई को और मेरे को हमारे साथ के, तो हम उनसे मिले। और इसके बाद अब ऐसा है कि अब हम सीधा जाके केलोंग की ब्रेक मारेंगे। क्यों देखो यार अपनी जिप्सी क्या सही लग रही है, पहाड़ों के बीच में ऊपर बर्फ की चादर, बीच में हरी ग्रीनरी और साथ में जिप्सी और साथ में बाइक खड़े हुए। चाय पी ली आपने? हा? चाय पी ली, कैसी लगी चाय? मीठी? मैंने बोलता उस्ताद वाली चाय बनाने को, उनको उस्ताद वाली चाय बनाने को बोला था। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अब अपने लिए भी उस्ताद वाली चाय बोलनी पड़ेगी वेली भाई, हम तो निकल गए उस टाइम जल्दी जल्दी में। और देखो हमने यहाँ से भी स्की डाउन किया था, वो ऊपर से जो आपको ये चोटी दिख रही है ना यहाँ से। हाँ तो भाई अब चलते हैं ना यार, टाइम बहुत हो गया है। और ये मनाली के ट्रैफिक ने ना यार सच में जान खाई हुई है, मैं सच बताता हूँ यार बहुत बुरा हाल है, मैं दिल की अपने दिल मेरे दिल से बता रहा हूँ मैं। बाकी अब चलते हैं ऐसी था यार, अब सीधा लॉल में रुकेंगे। वो मेरी काली बीस्ट। तो भाई अब ठंड भी हो गई है ना, तो हुडी पहन लेते हैं पहले क्योंकि सफ़र लंबा है, लद्दाख तक टाइम निकालना है बढ़िया। तो बाकी यार यहाँ से 57 किलोमीटर रहता है केलोंग सोलंग गांव से, और 10 किलोमीटर रह गए हमको। कितना किलोमीटर है क्लिक्स हमको अटल टनल? आई नो 10 किलोमीटर, अगर कोई बोले ना आई डोंट नो, अगली बार आप बताना सोलंग से अटल टनल 10 किलोमीटर है एंड केलोंग 57। सो गाइस ऑल सेट टू गो, गोप्रो भी हमने फिट कर दिया, अब आप अच्छे अच्छे नज़ारों के मजे लो। अब आपसे मिलते हैं हम डायरेक्ट केलोंग में। लाहौल, वेलकम टू लाहौल। तो यार लाहौल हम लोग पहुंच गए हैं और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ अटल टनल के बारे में, जिसने तो यार पहले वाले ब्लॉग देखे उसमें मैंने बताया हुआ और पता भी होगा मैक्सिमम को, पर मैं अपनी तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव लेता हूँ बता देता हूँ क्या जाता है। तो यार जो ये अटल टनल है तो ये है 9.5 किलोमीटर की और ये लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में, और इसका एल्टीट्यूड था वरी पूरा 10,000 है, पूरा 10,000 फीट पे ये सिचुएटेड है। तो अभी इस साइड पे इसका नॉर्थ पोर्टल और जहाँ से हम एंटर हुए थे मनाली साइड से वो साउथ पोर्टल, तो इसको बने हुए लगभग यार 2018 में बनी थी, 18 से स्टार्ट हुई थी ये यहाँ से ट्रैफिक चलना, तो सही है। बस अब पर हम यहाँ से जल्दी मूव करेंगे ना यार, क्योंकि आगे को जाना है। और मैंने सुना यार आगे बारालाचा में शायद रोहतांग में तो पड़ी पड़ी है, पर शायद रोड बंद हो गया है लेह लद्दाख का। देखते हैं अब जाके केलोंग जाके अपडेट लेते हैं कि क्या अपडेट है।
ठंड तो हो गई है अब यार। इस बार क्लाइमेट चेंज इतना हुआ है ना यार, वेदर का पता नहीं चलता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि गर्मियाँ होगी सर्दी होगी, मतलब प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया। क्लाइमेट चेंज है, यही क्लाइमेट चेंज है गाइस। फिर बेली भाई ठंडा तो हो गया, कैसा लग रहा है? ऑल गुड पहुंच गए हम लोग द्वारा साथ में यार। बेली भाई के साथ ना काफी टाइम बाद ट्रिप हुआ है कसम से, बहुत टाइम बाद। बाकी ये मजे मजे में। फिर हमारा बनी, हमारा बनी, हेलो गाइस। तो गाइस ये रिवर है जो आप देख रहे हो आगे, चंद्रा रिवर है, और ये आती है चंद्रताल से उस साइड को, वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे स्पीति, और इस साइड को ये लाहौल। आगे जाके इसका तांदी में संगम होता है, तो इसका संगम पॉइंट है तांदी में। अभी नहीं दिखा पाऊंगा, वापसी में दिखाऊंगा, जरूर टाइम मिलेगा। क्यों वापसी में तेरे को भी दिखा दूंगा, क्लिक्स को भी दिखाएंगे हम संगम पॉइंट, हम इसको भी एक्सप्लोर कराने लगे यार। तेल आ गया, 1800 का ही तेल आया, सिर्फ लगभग टंकी फूली थी। तो चलते अब। सो गाइस अभी रात के बज रहे 12, तो हमने डिनर कर लिया है। और टशी भाई, थैंक्स टू टशी, टशी हमारे ना हमेशा एपिक स्टे कराता है, जितनी बार भी आपने देखा होगा बहुत एपिक स्टे कराया है इसने भाई, मजा आता है। लद्दाख नहीं चल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ लद्दाख, अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे। नेक्स्ट टाइम एक ब्लॉग में यार हम लोग सिर्फ नलते नहीं कि टशी में हम और दो तीन जो दोस्त हैं, क्लासमेट स्कूलमेट जो भी बोल दो आप, हम लोग सारे साथ जाएंगे। बाकी हम लोग ठहरे हैं होटल राजगुंदा में, वन ऑफ द एपिक स्टेज जहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं हमेशा। अभी थोड़ी जल्दी ना इस टशी की प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे आप आओ, सरप्राइज है कुछ, मेरा नाम लेना आप वहाँ पे जाके भाई, आपको डिस्काउंट क्या, आपको फ्री में ठहराएगा बंदा, फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही में बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा नाम लोगे फ्री में तो नहीं ना यार, सच बोलूँ, मेरे को पैसे भेज देना आप लोग, पैसा मेरे को भेज देना भाई। एपिक बोलते हैं जिसको, एपिक लोकेशन आने वाली है। सोचो आप किसी एक पहाड़ के टॉप से जहाँ तक रोड भी जाता है, जहाँ तक रास्ता भी जाता है, और वहाँ से आप अमेजिंग व्यू देख पा रहे हो। मैं सच में बहुत इंप्रेस हुआ यार टशी, जिस टाइम मैंने तेरा फर्स्ट टाइम देखा ना। आपके व्लॉग में जितने भी बंदे हैं आपके मेंबर्स, उनको भी दिखाएंगे, सब तेरे पास ही आएंगे 31 जुलाई को ना, 31 जुलाई के बाद, आफ्टर 31 जुलाई भाई ओपनिंग सून यहाँ पे आओगे, उसका व्लॉग बनाने के लिए स्पेशल 5 दिन एक ही जगह का व्लॉग ना हो, क्योंकि वो इतना एपिक लोकेशन है। बाकी टशी को बाय बाय करते हैं, ये रुक नहीं रहा, मैं तो उसको बोल रहा था चलने को, तो हम भी सो जाते हैं यार, थोड़ा व्लॉग एडिट करना है, 1-2 बज जाएंगे, सुबह भी जल्दी निकलना है, कल का दिन भी हार्श रहने वाला है थोड़ा। ठीक है टशी, ठीक है भाई, नाइस टू मीट यू, ओके ओके।